डीजल की आसमान छूती कीमतों ने सर्दी के मौसम में सब्जियों के दाम में आग लगा दी है। देश के कई शहरों में टमाटर का भाव 80 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है, वहीं मटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। डीजल के महंगे दाम के चलते परिवहन के कीमतों में बढ़ोतरी और दक्षिण के राज्यों में बारिश के कारण फसल खराब होने के कारण सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि वे हाई फ्यूल कीमतों के साथ परिवहन पर निर्भर करती हैं। भोपाल में टमाटर का भाव 80 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 रुपए, ओकरा 80 रुपए प्रति किलो और मटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। इसमें व्यापारियों का कमीशन सिर्फ 5% है। सब्जियों की महंगाई से ग्राहक कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश के कारण फसल खराब होने से टमाटर की कीमतों में उछाल आया है। यहां टमाटर की बुआई नवंबर से दिसंबर तक की जाती है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। इसके चलते टमाटर का भाव आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। शादियों के मौसम में मांग बढ़ने के चलते भी इसका भाव कम नहीं हो रहा है। चेन्नई में टमाटर की कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़ के कारण टमाटर की फसल खराब होने से टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। कम पैदावार और ज्यादा मांग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन लागत में बढ़ोतरी से भी टमाटर में उछाल आया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भारी कमी के कारण इसकी कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। कोयम्बेडू थोक बाजार में सोमवार को टमाटर करीब 1.5 गुना कम मिला। यह पिछले एक पखवाड़े में सबसे कम आवक में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।